तो हेलो दोस्तों, मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ जिसमें मैं आप लोग को अपने ब्लॉगर वेबसाइट के आर्टिकल में जो इमेज यूज किया जाता है उसका SEO कैसे करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे SEO इमेज का SEO कैसे करते हैं। पढ़ना चाहते हैं कि कैसे करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप सबसे पहले ब्लॉगर ये क्रोम ब्राउज़र पे जाएं। क्रोम ब्राउज़र पे जाते ही सर्च बार में टिप्स एंड ट्रिक्स 75 सर्च करें, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए टिप्स एंड ट्रिक्स 75 पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट साइट पे आ सकते हैं। तो पहले नंबर अभी ये देखिए यहाँ पर लिखा है इमेज का SEO क्या है, इमेज का SEO कैसे करते हैं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। इसे आप बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आप खुद से ही कर सकते हैं अपने इमेज का वेबसाइट के SEO का। इतना अब आपको मैं प्रैक्टिकली बता दे रहा हूँ कैसे करना। सबसे पहले आपको अपने ब्लॉगर वेबसाइट पर जाना है, ब्लॉगर वेबसाइट के डैशबोर्ड पे बस ये देखिए पहले वाला मैं अभी मतलब लिख रहा था आर्टिकल, तो उसी पे मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे करना है। डेस्कटॉप पे साइट कर लें, बस यहाँ पे कुछ अभी लिखा नहीं, मैं एक पहले से कुछ लिखा हूँ उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। आप जैसे अपना आर्टिकल लिखे होंगे तो आपके लिए और अच्छा है। बस यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ उसको, बस ये हो गया। यहाँ पे मैं कुछ टाइटल दे रहा हूँ, मेक मनी ऑनलाइन, ये मैंने मतलब कि एक टू वो दे दिया हेडिंग उसको। सॉरी दोस्तों थोड़ा बैक हो गया। बस यहाँ पे अब आपको अपना इमेज लगाना है, जैसे ही इसको छोड़ दें यहाँ पे आप अपने इमेज पे जाएं। इमेज जो बनाया होगा उसे मतलब मैं पहले से एक इमेज बना के रखा हूँ, इसको करना है आपको डाउनलोड करूँ वही पहले वाला इमेज जो आर्टिकल में आपको मिला था, बस यहाँ से डाउनलोड करें डायरेक्ट आप। बस उसके बाद आप क्रोम ब्राउजर पे जाएं, अब न्यू विंडो में आप वेब पी कन्वर्टर देखिए क्या लिखना है इस पर सर्च करें, वेब पी कन्वर्टर देखिए सबसे पहले ही आ गया वेब पी कन्वर्टर पे क्लिक करें आप। बस यहाँ से आपको पहले दूसरे ये देखिए पहले पे मत क्लिक कीजिएगा, दूसरे नंबर पे वेब पी कन्वर्टर पर क्लिक करें। बस देखिए प्रोसेस हो इमेज टू प्रोसेस, आप अपना यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करें, ये दो तीन बार आप क्लिक करेंगे तो इमेज का ऑप्शन आएगा, एक बार में नहीं आता।
देखिए आ गया, 2-3 बार क्लिक किए तो बस यहाँ से आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करें। जिस इमेज को कंप्रेस करना है उसी इमेज को सिलेक्ट करें आप। ये देखिए पहले पे मैं अभी जो डाउनलोड किया था वहाँ से उसी वीडियो को कंप्रेस करना है मेरे को। हालांकि मैं पहले से करके रखा हूँ, बस ये आपको बताने के लिए करना है। ये देखिए आ गया, यहाँ से आप अपना क्वालिटी, ये देखिए इसमें कुछ मत करें, कहीं पे टिक ना करें तो आपका फिर ये इमेज अपलोड हो जाएंगे। यहाँ से आप अपने क्वालिटी चेक कर लेंगे, मैक्सिमम आप 50 कर देंगे, आपको जैसा क्वालिटी चाहिए। मेरे 50 से लगभग सबसे करते रहता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं, आपको ओरिजिनल ही फोटो दिखाई देता है। 50 करके इसको डाउनलोड कर लें, कन्वर्ट, ये देख सकते हैं आप यहाँ से कोई सा भी डिफरेंट नहीं आया है, जैसा बनाते उसी तरह है, ना कोई ब्लर हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ है इमेज का। इमेज बस इतना करने, कंप्रेस करने के बाद आप इसे, बस कंप्रेस करने के बाद आप इसे रीनेम करें। रीनेम में आपको देखिए मेरा कंप्रेस हुआ फाइल आ गया, बस यहाँ पर क्लिक करें, रीनेम लिखा मिल गया, रीनेम पे क्लिक करें। यहाँ से इसको सपोर्ट है, अब यहाँ पे आपको रीनेम में अपने आर्टिकल के टाइटल, जो मेन टाइटल दिया है देखिए सबसे मेन टाइटल, जो सबसे आपको हेडिंग दिया गया टाइटल में, ये इसको कॉपी करना है यहाँ से। हाँ मैम, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है टोटल कॉपी, यहाँ पे आके आपको रीनेम में पेस्ट। बस देखिए जो ये बीच में दिया है गैप, इसमें स्पेस, इसको माइनस का चिन्ह लगा दें यहाँ पे, तो इसको खाली छोड़े ना, बस जो थोड़ा सा भी गैप दिया है उसको गैप को खाली छोड़ना नहीं है, बस इसको ओके करें। ये देखिए आपका फाइल रीनेम भी हो गया। अब सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में आपको अपने आर्टिकल में जाना है, आर्टिकल में जहाँ पर इमेज लगाना है आप इमेज को सिलेक्ट करें, लगाएं, यहाँ से इमेज को मैं डाउन, बस आप देख सकते हैं प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे आपका इमेज, ये देखिए इमेज आ गया। अब इसको बस इतना हो गया ना, इस पर अब एक बार मतलब हट जाता है तो आप एक बार इस पर इसको कॉपी कर ले, पहले अपने टाइटल को कॉपी फिर से कर ले एक बार। बस अभी यहाँ पे इस पर एक बार क्लिक करें, सेटिंग का ऑप्शन आ गया नीचे, ये देखिए सेटिंग का ऑप्शन पहले में देखिए, इमेज एडिट इमेज अल्ट टेक्स्ट टाइटल टेक्स्ट, टाइटल टेक्स्ट में आप अपना टाइटल डाल दें, टाइटल हो गया। अभी इसको यहाँ से अपडेट कर दें, अभी नेक्स्ट बचा है, फिर नेक्स्ट बार में यहाँ से आप अपने ऊपर वाले में से दो दो से तीन लाइन मैं कॉपी कर लिया, बस यहाँ से आपको दो से तीन लाइन में इतना कॉपी कर लिया। फिर इसको कॉपी करके फिर इस पर एक बार क्लिक करना है, फिर सेटिंग वाले ऑप्शन पे जस्ट वही रूल फॉलो करना। अब देखिए आल टैग अल्ट्रा टैग है ना, अल्ट्रा टैग में आप इसे अपना मिला लें। फिर यहाँ पे देखिए दो साइज में से आप ओरिजिनल साइज या एक्स लार्ज है, बस मैं तो कंफर्म करूँगा ओरिजिनल साइज आप सिलेक्ट कर लें। बस ये देखिए आपका हो गया यहाँ से
इमेज कैसे कंप्लीटली, बस इतना करते ही आपका इमेज का एसईओ कंप्लीट। इसको प्रीव्यू आप देख सक देखना चाहते हैं कैसा दिखता है, तो आप यहाँ पर देखिए साइड में आपको प्रीव्यू का ऑप्शन भी दिया है, इस पर क्लिक करें। प्रीव्यू अभी देखिए, ये देखिए प्रीव्यू में आपका इमेज देखिए कैसा दिखाई देगा, ऐसा एकदम परफेक्ट साइज में आ गया। अभी से आप मतलब कंप्यूटर में देखना है, ये देखिए कंप्यूटर में इस तरह से दिखेगा, कंप्यूटर में भी साइज में जब आएगा। पैड आईपैड में देखना है तो इस टाइप से आएगा, मोबाइल में तो आप देख ही सकते हैं मोबाइल में जो कैसा दिख रहा है। इसी तरह से आप बस इतना ही इस वीडियो में देखिए, ऐसे आप करते हैं रेगुलर अपने इमेज का एसईओ तो बहुत ही जल्दी आपको एसईओ करना भी आ जाएगा। और यदि आपको आर्टिकल का एसईओ नहीं करने आता तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या यूट्यूब पे सर्च करें एसईओ, एसईओ सर्च करके उसके आगे बेस्ट ब्लॉगर टिप्स 75 करके क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे तो आपका मेरा फर्स्ट पे आएगा वीडियो, उसे आप देख सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियो के साथ।